सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का सेशन हम डाउन टू डस्क का सेकेंड डे में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने फ्रेश स्टार्टअप का मॉर्निंग स्टार्टअप के बारे में बात किया, उसमें आपका पेस्ट हो गया और टूथब्रश हो गया, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आते हैं बॉडी केयर में। तो लेट्स योर स्किन टॉक। तो हम देखते हैं कि हम अपने स्किन केयर को, बॉडी को कैसे केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कि हमारे पास मोदी केयर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसको हम यूज करके अपने स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको एनर्जाइज कर सकते हैं और ग्लो को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है अपना सॉफ्ट वॉश का रेंज है। सॉफ्ट वॉश का रेंज जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे इसमें हैंड वॉश, बबल वॉश और क्या कहते हैं, नहाने का सोप हो गया, तो जितने भी रेंज आते हैं वो सुपर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट सॉफ्ट वॉश, हैंड वॉश, शावर जेल और बबल बाथ, थ्री इन वन है। इसमें थ्री फ्रेगमेंट में आता है। फर्स्ट होता है क्रिस्टल लाइम, और उसके बाद आता है स्ट्रॉबेरी में और ग्रीन एप्पल फ्लेवर में। तो इसमें क्या होता है, थ्री बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट। थ्री बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि इसमें हम इसको एज अ हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं और इसको शावर जेल की तरह यूज कर सकते हैं और बबल बाथ में भी यूज कर सकते हैं। इनरिच विथ एंटीबैक्टीरियल फार्मूला। ये कैसा होता है, जो कंपोनेंट है एंटीबैक्टीरियल फार्मूला होता है, जिससे कि हम ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। इट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड बॉडी ऑडर। और ये क्या करता है, जो जर्म्स होते हैं बॉडी के और जो बॉडी से स्मेल आती है उसको वो दूर करता है। और इसमें ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे स्किन को नरिश करता है और हमारी बॉडी को ड्राई नहीं होने देता है, और नेचुरल ऑयल जो होता है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है दोस्तों। तो ये सॉफ्ट वॉश का थ्री इन वन के बारे में हमने जाना। उसके बाद इसी की रेंज में बेबी का भी आता है, और इसके कुछ हम बेनिफिट्स देखते हैं इसका, हाउ फीचर्स एंड वाउ फीचर्स। तो दोस्तों, जैसे फीचर्स में बात करते हैं, पीएच बैलेंस सॉफ्ट फ्री फार्मूला होता है। सॉफ्ट फ्री फार्मूला मतलब इसमें सॉफ्ट का कंपोनेंट नहीं होता है और स्किन फ्रेंडली। इसका बेनिफिट क्या होता है, स्किन फ्रेंडली है, प्रोवाइड मोर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट टू स्किन, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारे स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइजिंग करता है और अवॉइड ओवर ड्राइंग द स्किन, और हमारे स्किन को सूखा नहीं होने देता है। एंटीबैक्टीरियल होता है फीचर्स। उसके बाद ये क्या है, जर्म्स को, जर्म्स गार्ड की तरह काम करता है और हमारे मतलब स्किन को जर्म्स और जो गंदे ऑर्डर होते हैं बॉडी के, स्मेल होते हैं, उससे वो बचाता है। ऑलिव ऑयल का जो यूज होता है इसमें, वो क्या करता है, ऑलिव ऑयल करता है हमारे स्किन को सूदिंग और नरिशिंग करता है, और जिससे स्ट्रिपिंग जो बॉडी में होता है और नेचुरल ऑयल जो बॉडी का होता है वो मेंटेन करके रखता है। और स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव पैकिंग। इसका पैकिंग स्मार्ट और अट्रैक्टिव होता है, जिससे कि मतलब लॉस नहीं होता है, गिरता नहीं है। इसमें पंप लगा होता है, पंप को हम प्रेस करके जितना भी हमें कन्वीनियंट यूज है उसको हम ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। और इसी का हम रिफिल पैक भी आता है, तो जैसे वन बार हमने बॉटल परचेज कर लिया तो उसके बाद हम इसका रिफिल भी लेके हम इसको रिफिलिंग करके यूज कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमिकल होता है। और उसके बाद आता है जैसे किड्स का जो एक वेरिएंट आता है, इसमें होता है बबल गम फ्लेवर में होता है। सेम इसमें सारे फीचर्स और सेम होते हैं, और इसमें एक ऐड होता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव क्या करता है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो ज्यादा ही मतलब सॉफ्ट और वो होता है, तो उसको, उसके लिए क्या करता है, विटामिन बी फाइव के होता है, तो वो स्मूदन और सूदन द स्किन, मतलब स्किन को और सॉफ्ट सॉफ्ट बनाता है और सूदन बनाता है, मतलब मुलायम बनाता है। तो बच्चों की जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है, जो नेचुरल ग्लो होता है, उसको वो मेंटेन करता है। उसका मतलब जिसे सॉप यूज करते हैं तो रफ नहीं करता स्किन को। तो दोस्तों, उसके बाद सॉफ्ट वॉश में एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है वाइट पर्ल सॉप। और ये फर्स्ट मतलब पहले तो यही एक सॉफ्ट वॉश आता था, उसके बाद कई सारे और भी मतलब बाथिंग सॉप लॉन्च किया है कंपनी ने। इसका बेनिफिट क्या है, ये जेंटली क्लीन सॉफ्ट वॉश विद ट्रिपल बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है,
मॉइस्चराइजर होता है, प्रोटेक्ट होता है, ड्यूडराइजिंग होता है। तो जेंटल क्लीन भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। पावर्ड विद द जर्म्स गार्ड गिविंग द रिच क्रीमी लेदर्स। तो ये इसमें जर्म्स गार्ड भी होता है। इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चराइज एंड कंडीशनिंग द स्किन, प्रिवेंट द ड्राइनेस एंड मेक स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। मतलब मॉइस्चराइजर जो होता है ये क्या करता है, आपके स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन का जो होता है उसको सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है और ब्यूटीफुल रखता है। एंटीबैक्टीरियल फंक्शन की वजह से ये क्या होता है, आपको हाइजीनिकली क्लीन करता है और जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उनको किल करता है। डिओडोराइजिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, हेल्प्स प्रोडक्ट स्टेन फ्रॉम बैड ऑडर। तो बैड ऑडर जो हमारे बॉडी में होते हैं, पसीने की बदबू होती है, वो सबको इसको ये डिओडोराइज करके अच्छा करता है। और इसका एक और बेनिफिट है, जैसे हम इससे जब भी नहाते हैं तो ये काफी लंबे समय तक अपना फ्रेग्रेंस देता है। मतलब हमें ये पसीने की स्मेल और सब चीज का हमें मतलब एहसास नहीं होता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। और इसी के रेंज में ग्लिसरीन और हनी सॉप होता है, हनी सॉप आता है इसमें आप देख सकते हैं, अ जेंटल क्लीनिंग बार इनरिच विथ ग्लिसरीन एंड मॉइस्चराइजिंग एंड हनी दैट नर्शिंग द स्किन। तो जो नेचुरल कंपोनेंट है आपका इसमें दो, ग्लिसरीन और हनी, इसकी वजह से ये क्या करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और नेचुरल स्किन को बैलेंस बना के रखता है। तो शॉपवॉश में ग्लिसरीन के बेनिफिट के बारे में जानते हैं। ग्लिसरीन इज इफेक्टिव डिटर्जेंट, मेंटेन द आइडियल मॉइस्चर लेवल बाय होल्डिंग द होल्डिंग एंड अट्रैक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ये क्या करता है, आपके स्किन को का मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे कि एयर और जो ड्राइनेस होता है उसकी वजह से आपके स्किन का मॉइस्चर नहीं जा पाता है। और हनी का इफेक्ट होता है शोधन एंड प्रोटेक्ट द इमोलेंट, प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द स्किन, इम्पेक्ट द रेडिएंट ग्लो। और हनी का भी यही है कि ये आपके मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है और आपके स्किन में ग्लो लाता है, रेडियंट ग्लो लाता है। हनी नरिशिंग द स्किन एंड वर्क्स एज द एंटीसेप्टिक, और ये आपकी स्किन को नरिश करता है और एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। तो और उसके बाद दोस्तों और भी कई वेरिएंट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे कि शॉपवॉश में एलोवेरा नीम तुलसी है जिसका MRP 33 है और आपको 26 रुपीज में मिलता है। उसके बाद आता है लाइम फ्रेगमेंट्स में, इसमें इसका भी MRP 33 है और आपको 26 में मिलता है। और ऑरेंज में है, ऑरेंज फ्लेवर में भी है और इसका MRP 33 है, आपको 26 रुपीज में मिलता है। और लास्ट ये है सैंडल सॉप, ये मतलब इसका फ्रेगमेंट सैंडल का है और ये 33 रुपीज MRP है, 26 में मिलता है। तो ये जितने ये लास्ट के 4 सॉप हैं, ये 100 ग्राम की पैकिंग में है। और दोस्तों ये इसका मेन खासियत है, ये गलते बहुत कम है और स्मेल्स बहुत अच्छी है। और इसको हम मतलब यूज करते हैं तो जिस फ्रेगमेंस में है वो बहुत ही गजब का स्मेल उसमें से मिलता है हमको। तो दोस्तों ये सॉपवॉश के रेंज में एक और एंटीबैक्टीरियल सॉप भी ऐड हुआ है जिसका MRP 45 है और ये 40 रुपीज को का मिलता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म्स और जो भी मतलब बैक्टीरिया है उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसी क्रम में मतलब शॉपवॉश में हमारा आता है शॉपवॉश का पफ आता है जो कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है और इसका यूज करके हम अपने बॉडी को मतलब इसको शावर जेल में भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये डर्ट को नहीं एब्जॉर्ब करता है और जो हमारे बॉडी का ऑयल हेडेड स्किन है, इम्प्योरिटी है, उसको अच्छे से सफा करता है और आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। और ये मैन्युफैक्चर होता है क्विक ड्राई सॉफ्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल से बना होता है वो जल्दी सूखता है और सॉफ्ट होता है और लंबे समय तक
चलता है और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है दोस्तों। तो ये पफ की कुछ खासियत हो गई। और उसके बाद हम चलते हैं हैंड सैनिटाइजर की तरफ। जैसे कि एसेंशियल की रेंज में कई सारे हैंड सैनिटाइजर आते हैं जो 99.9% जर्म्स को किल करते हैं, और ये आपके हैंड को जर्म्स भी बनाते हैं और आपके हैंड को मॉइस्चराइज भी करते हैं। और मार्केट से रेट भी कंपेयर करेंगे तो हमें मार्केट की रेट से हमको काफी चीपेस्ट मिलता है ये। और जैसे हैंड सैनिटाइजर में हमारे क्या है, विटामिन ई भी कंटेंट्स है और इसमें सिट्रस फ्रेग्रेंस मिलता है आपको, और एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है ट्राइकोसम बोलते हैं जिसको, जो कि आपके हैंड को हाइजीन करता है। और सिट्रस क्या होता है, एक अच्छा फ्रेग्रेंस देता है जिससे आप अपने आपको रिफ्रेश फील करते हैं। और विटामिन ई क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाता है। और ये नॉन स्टिकी फार्मूला में होता है, जैसे हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे हैंड में या जो जहां भी हम स्किन में इसको यूज करते हैं वो स्किन के साथ वो हो जाता है और क्या कहते हैं, ड्राइनेस नहीं रहता है, मॉइस्चराइज करता है। और कई सारे इसमें वेरिएंट्स आते हैं, जैसे फ्रेग्रेंस में हम देख सकते हैं कि आपका ये है हैंड सैनिटाइजर, प्योर हैंड सैनिटाइजर है, इसके भी कंटेंट सेम ही है, बेनिफिट सेम ही है। और इसकी रेंज में आता है एलोवेरा फ्रेग्रेंस में आता है, ये भी सेम ही बेनिफिट्स है। और मोरिगन हैंड सैनिटाइजर होता है, ये भी सेम ही रेंज में है। तो कई वेरिएंट के हैं सैनिटाइजर का, इसको हम यूज करके अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो बाहर से जर्म्स आते हैं और जो भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हमें बार बार हैंड साफ करने का जरूरत नहीं, इसको यूज करके हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनसे। और हैंड एंड बॉडी लोशन में आते हैं तो एक बॉडी लोशन है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसमें एलोटोनिना और विटामिन ई होता है। एक ये अल्ट्रा रिच हैंड बॉडी लोशन इनरिच विथ एलोटोनेस एंड विटामिन ई नरिशिंग द प्रोटेक्ट स्किन, ये आप स्किन को प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है। इसमें इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, एलेंटोइन जो होता है एड द स्मूदन एंड रिवाइटलाइजिंग द स्किन एंड रिस्टोर हाइड्रेशन। तो ये आपके स्किन को रिवाइटलाइजिंग करता है, मतलब इनर्जाइज करता है, और स्किन के हाइड्रेशन को, स्किन की जो नमी होती है इसको स्टोर करके रखता है, उसको लॉस नहीं होने देता है। स्किन आपकी सुदन दिखेगी और ये रफ नहीं दिखेगा। विटामिन ई की वजह से क्या है, ये विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन को रिपेयर और प्रोटेक्ट करता है, और ये आपके एजिंग इफेक्ट को स्लो करता है, मतलब जो जैसे हमारी स्किन में झुर्रियां आ जाती हैं उसको वो कम करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ड्राइंग, डैमेजिंग इफेक्ट एंड पोल्यूशन चेंजिंग वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन चाहे जो हो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है और जो भी डैमेज होता है, पोल्यूशन होता है, उससे भी हमें बचाता है। और क्या है बेनिफिट इसका दोस्तों, नॉन ग्रीजी एंड माइल्डली फ्रेग्रेंट, मतलब ये चिपचिपाहट इसमें नहीं होता है, जैसे इसको हम लगाने के बाद हमारी स्किन हैवी फील हो, तो वो क्या है, लाइट स्किन फील होगा। और माइल्ड फ्रेगमेंट होता है, मतलब अच्छी खुशबू भी आती है इससे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी देर तक वो स्मेल बनी रहती है। और इसी के बॉडी लोशन में दूसरा वेरिएंट आता है आपका, जिसमें ग्लिसरीन और हनी होता है, नेचुरल कंटेंट है दोस्तों। इसमें भी इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। ग्लिसरीन क्या करता है, रिहाइड्रेट द स्किन, स्किन की जो नमी जैसे खो गई है तो उसको भी ये रिहाइड्रेट करता है, फिर से उसको मॉइस्ट बनाता है और रिवाइटलाइज एंड सूदन एंड हील द स्किन नेचुरली, मतलब जो भी हमारी स्किन है उसको इनर्जाइज करता है, स्मूथ बनाता है, और स्किन में जो मतलब लाइन है, रिंकल्स है, उनको हील करता है, उनको कवर अप करता है। कंटेन हनी, हनी क्या है, एक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह है जो रिपेयर करता है स्किन को और रिस्टोर करता है हाइड्रेशन को, इंक्रीजिंग हीलिंग एंड टिश्यू रिजेनरेशंस, और ये जो टिश्यू होते हैं उनको रिजेनरेशन में भी हेल्प करता है। और ये भी क्या होता है, नॉन ग्रीसी और माइल्डली फ्रेग्रेंट होता है।
तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इतने ही प्रोडक्ट को कवर करते हैं। तो अभी मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूं और ओवर करता हूं मनीषा को।